फर्स्ट स्टेप है हमारा थ्रेडिंग। यहाँ पे मैंने इस तरह की थ्रेडिंग रील ली है, ये आपको कोई भी लोकल मार्केट से मिल जाएगी। वैसे ये सारा मैंने अपने आप प्रैक्टिस करके सीखा है, कोई कोर्स नहीं किया है। जितनी पकड़ हो उस हिसाब से थ्रेड कट करके आपको दिखाया है, उसी तरीके से करना है। स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा टेलकम पाउडर लगा लेंगे ताकि स्किन में कोई कट ना आए और इजीली थ्रेडिंग हो सके। मैं अपने आईब्रो के अपर एरिया पे थ्रेड यूज़ करती हूँ और लोअर एरिया पे प्लकर यूज़ करती हूँ। तो इसी तरीके से मैं अपना आईब्रो अच्छे से सेट कर लूँगी। सेकंड स्टेप है अपर लिप्स थ्रेडिंग। आप देख सकते हो कि मेरे अपर लिप्स पे भी हेयर है, तो हम वही सेम प्रोसेस करेंगे। मैं कभी कभी वैक्सिंग की स्ट्रिप्स भी यूज़ कर लेती हूँ या फिर प्लक अभी जैसा टाइम होता है। और हाँ, जब भी आप थ्रेडिंग या अपर लिप्स करवाओ तो उसके बाद एलोवेरा जेल और आइस लगाना मत भूलना, इससे आपकी स्किन रेड नहीं दिखेगी और बम्स भी नहीं आएंगे। थर्ड स्टेप है हैंड वैक्स। यहाँ पे मैं इस तरीके का वैक्स मशीन यूज़ करती हूँ, बहुत ही अफोर्डेबल है और ये मेरे पास काफ़ी टाइम से है, आई थिंक 3 साल हो गए हैं। और मेरी सेंसिटिव स्किन है तो ज़्यादातर मैं एलोवेरा वैक्स ही यूज़ करती हूँ। इससे मेरी स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है और रेडनेस भी नहीं होती। इस तरीके के जींस के स्ट्रिप्स आते हैं, मैं यही यूज़ करती हूँ क्योंकि ये रीयूजेबल होते हैं और अच्छा रहता है। फोर्थ स्टेप है लेग वैक्स। तो हम वही सेम प्रोसेस अपने लेग पे भी करेंगे। फिफ्थ स्टेप है फेस स्क्रब। स्क्रब के लिए यहाँ लिया है राइस फ्लावर, सॉल्ट, कोई भी जेल, अगर आपके पास एलोवेरा जेल है तो भी ले सकते हो, और रोज़ वाटर। सबको मिक्स करके स्क्रब करना है 2-3 मिनट तक। राइस फ्लावर में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है जो स्किन पे एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब करके रिपेयर करके स्किन को स्मूथ बनाता है, सन डैमेज से भी बचाता है। सोल्ट हमने इसलिए लिया है, वो हमारी स्किन पे डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। मॉइस्चराइज जेल स्किन को स्मूथ बनाता है और रोज़ वाटर कूल और रिफ्रेश फील करवाता है, और साथ ही साथ रेडनेस और एक्ने को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट स्टेप है फेस पैक। फेस पैक के लिए मैंने लिया है बेसन, राइस फ्लावर, हनी, एलोवेरा जेल, हल्दी और कर्ड। बेसन स्किन को लाइटन करने में हेल्प करता है, टर्मरिक स्किन को ब्राइटनिंग में हेल्प करता है, राइस फ्लावर में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है जैसे मैंने बताया, हनी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है जो एक्ने ट्रीटमेंट में हेल्प करती है। हमें ये फेस पैक 10-15 मिनट रख के फेस वॉश कर लेना है। स्टेप करने वाले हैं अपने प्यारे प्यारे हाथों पैरों के नेल्स को पेंट। आप अगर पेडिक्योर करके नेल पेंट्स करोगे तो बहुत ही सुंदर देखेंगे, वरना आप पैरों को अच्छे से धो के नेल्स फाइल करके फिर आपकी मनपसंद कोई भी नेल पेंट्स कर सकते हो। मैं यहाँ पे रेड कलर पेंट कर रही हूँ क्योंकि रेड मेरे पे ज़्यादा सूट होता है। अब लग रहा है ना एकदम चमचमाते हुए पैर। तो आपको मेरा सेल्फ मेंटेनेंस रूटीन फॉर वेडिंग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।